बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी दही की लस्सी। दही की लस्सी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टेबल स्पून हमने नमक का लिया है, 1 हमने लीमू लिया है और उसे मिर्च से कट करके कुछ लीमू इस तरह कट कर लिए हैं, और थोड़े से पत्ते हमने पुदीने के लिए हैं, 1 ग्लास हमने दही का लिया है। चलें तो दोस्तों हम लस्सी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हम पुदीने के पत्ते दौरी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पुदीने की जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, जैसा कि आजकल गर्मियां चल रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आप इसे अपनी लस्सी में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जी हमने पुदीनों को पीस लिया है, अब हम दही इस बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ पुदीना डाल देंगे, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। और साथ में नमक भी डाल देंगे। अब हम लस्सी बनाने वाला ये ले लेंगे। आप इसे ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये है तो हम इसे बना रहे हैं। अब हम इस तरह से कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसे इस तरह कर लेंगे। दो मिनट गुजर चुके हैं, अब इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे तकरीबन 1 ग्लास, और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जी हमारी लस्सी रेडी है, अब हम इसके अंदर नींबू के 2-3 कतरे डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जी अब हम लस्सी को ग्लास में डाल देंगे। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टेस्टी सी मज़ेदार सी जो लस्सी है वो रेडी है। हमें ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी इसलिए हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग क्वींस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।